पर्यावरण के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। उनकी चर्चा बहुत सम्मान से की जाती है। उन सभी को आप अपना रोल मॉडल एवं मेंटर बनाएं एवं उनके दिखाए हुए आदर्श को अपने जिंदगी में लाएं। देवियों और स्वजनों, आज यहाँ बर्न एकेडमी के एक्सपर्ट्स उपस्थित हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जलवायु की इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण की करिकुलम में यथोचित संशोधन करने पर विचार करें। विश्व के कई भागों में वन संसाधनों की क्षति बहुत तेजी से हुई है। वनों का विनाश किया जाना एक तरह से मानवता का विनाश करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्षतिपूर्ति तेज गति से कर सकते हैं। जैसे कई जंगलों पर मियावाकी मेथड को अपनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उपकरण अफोरेस्टेशन के लिए उपयुक्त क्षेत्र और एरिया स्पेसिफिक वृक्ष प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न विकल्पों का आकलन करके भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, विकास रथ के दो पहिया होते हैं, परंपरा और आधुनिकता। आज मानव समाज पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं का दंश झेल रहा है। इसके प्रमुख कारण में एक है एक विशेष प्रकार की आधुनिकता, जिसके मूल में है प्रकृति का शासन। इस प्रक्रिया में पारंपरिक ज्ञान को उपेक्षित किया जाता है। जनजातीय समाज ने प्रकृति के शाश्वत नियमों को अपने जीवन का आधार बनाया है। जनजातीय जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है। इस समाज के लोग प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं।